उमेश हत्याकांड में आरोपी बनाए गए माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर पीडीए का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले में जफर अहमद के घर में ही अतीक का परिवार किराए पर रहता है। जफर के घर से पुलिस ने तलवार, पिस्टल और राइफल भी बरामद की है। लोगो नजर आएगा, ये पहले से ही जो है वो मेड इन जर्मन है, जैसा कि बताया जा रहा है विदेशी गन है। ये देखिए सतीश, ये लोगो दिखाइएगा, ये लोगो दिखाइएगा, मेड इन जर्मन ये गन है जो बरामद की गई है। और दूसरी ये गन यानी कि ये तमाम अवैध चीजें इस घर से बरामद की जा रही है, तमाम ऐसे हथियार इस घर। इसके पहले तलवार भी लेकर तलवार मिली। अच्छा, ये कौन सी गन मिला है इनके पास? ज्यादा आइडिया नहीं है, विदेशी गन है। विदेशी गन है। और कितनी गन मिली है? दो गन। ये कौन सी गई जो दूसरी है? ये कौन सी गन है? ये जो देखिए आप, चकिया मोहल्ले में जफर अहमद के दो मंजिला घर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। दो मंजिला इस आलीशान घर की कीमत करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। जफर माफिया अतीक अहमद का बिजनेस पार्टनर भी है। जफर अतीक गैंग से भी जुड़ा है। हाल ही में उमेश पाल ने जफर पर भी मुकदमा दर्ज कराया था। बुलडोजर एक्शन के बाद अतीक के अन्य करीबी दहशत में है। हाँ सुनो, क्या करके आया है? तो खाली कराते समय पुलिस यहाँ पर लाकर रख रही है। तो काटी जाए, क्या दिक्कत क्या है? गोली मारी गई घर के बाहर, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में एक डर बना हुआ है। 4000 रुपए दिए तो क्या किया ये बताओ। तो नफीस नहीं दिए इसको पैसा? उमेश पाल हत्याकांड किया गया, बेकाब होकर बदमाशों ने पूरी स्थाई में न केवल भाई की